अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान मलिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर जनरेटर के बारे में, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, पेट्रोल पर चलने वाला ये जनरेटर है, 1 लीटर पेट्रोल में ये 1 घंटे से ज़्यादा चल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल की, सवान SW5500EWSI। दोस्तों, अब इसको चलाना कैसे है, ये इसका पेट्रोल का टैंक है, यहाँ पे आपने पेट्रोल डालना है। 15 लीटर का टैंक है, लाजमी नहीं है कि आप 15 लीटर डालें, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर डाल के आप काम चला सकते हैं। उसके बाद ये नीचे इसका पेट्रोल का आके नीचे ऑन होगा, ऊपर ऑफ होगा। चलाने से पहले इसको नीचे ऑन पोजिशन पर करना है, उसके बाद चौक को आपने इधर करना है। ये इसकी किक है, लेकिन किक मारने से पहले यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, इसे ऑन पोजीशन पे करेंगे आप। उसके बाद यहाँ से ये किक है, किक को खींचेंगे स्टार्ट हो जाएगा, तो चौक को फौरन आपने वापस, अगर किक यूज़ नहीं करना चाहते तो सलफ स्टार्ट भी है, ये नीचे इसका ये सलफ लगा हुआ। उसके बाद ये जो ऑन ऑफ बटन है, यहीं से आप इसको सलफ देंगे, वैसे ही आपने चौक उधर करनी है, सलफ देनी है, तो स्टार्ट हो जाए तो चौक को फौरन आपने वापस करना है। जैसे ये स्टार्ट हो जाए, ये इसका ब्रेकर है, जब इसे स्टार्ट करें ये नीचे ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए, जब ये स्टार्ट हो जाए तो फिर इसे ऑन पोजीशन पे करना है आपने। ये साथ में 2 2 पिन शू हैं, इनको आपने यहाँ पे लगाना है सॉकेट में। और याद रहे, जहाँ पे भी इस जनरेटर को अटैच करना है, चेंज ओवर का इस्तेमाल लाजमी करना है, अगर इसके अंदर वापडा की बिजली चली गई तो इसकी डायनमो ने जल जाना है। यहाँ पे इसका ये वोल्टेज मीटर है, ये आपको वोल्टेज बताएगा और ये आपको घंटे बताएगा कितने घंटे ये चल गया। इसका पहला मोबाइल जो आपने चेंज करना है वो 10 घंटे चलने के बाद, फिर हर मोबाइल 50 से 60 घंटे चलने के बाद आपने चेंज करना है। अगर आपने कोई अलहदा से बैटरी को चार्ज करना है तो ये केबल साथ में दी हुई है, इसको आप सिंपली यहाँ पे अटैच करेंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इसके टर्मिनल हैं, इनको बैटरी के ऊपर क्लिप करेंगे तो आपकी अलहदा से बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। जब आपने जनरेटर को बंद करना है, पहले इसे ऑफ पोजीशन पे करना है ब्रेकर को, उसके बाद चाबी को ऑफ पोजीशन पे करेंगे तो जनरेटर बंद हो जाएगा। बाकी ये मूवेबल है, नीचे व्हील लगे हुए हैं, इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे भी आप इसे लेके जाना चाहें। ये इसकी फ्यूल गेज है, जो आपको फ्यूल के बारे में बताएगी कितना इसके टैंक में फ्यूल है। बाकी चाइना का सबसे अच्छी क्वालिटी का जनरेटर है, सवान कंपनी का। हंड्रेड% कापर का जनरेटर है ये, इसके अंदर जो डैनमो है वो कापर की है, और भारी सिलेंसर है, इसको अगर आप चलाएंगे तो ये शोर नहीं करेगा ज़्यादा, यानी कि साउंड लेस जनरेटर है। 6.5 पावर का इंजन है इसके अंदर, आप इसके ऊपर जो लोड डालेंगे वो 3000 वाट होगा, इसकी जो आउटपुट है वो 3500 वाट है, यानी कि 3000 वाट आप इजीली इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। ये था चाइना का सबसे अच्छी क्वालिटी का जनरेटर, सवान कंपनी का। इसके अलावा हमारे पास डीजल जनरेटर भी होते हैं, फोर्ड कंपनी के भी जनरेटर होते हैं, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, ये अमेरिकन जनरेटर हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मिल्की मशीनें, भैंस का गाय का दूध निकालने के लिए ब्रश कटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर हो गए, स्प्रे मशीनें होगी, बैटरी वाली, इंजन वाली, इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सेसरीज हैं, और इन सब का स्पेयर पार्ट भी हमारे पास मौजूद होता है। आप इन पावर जनरेटरों के मुकम्मल इंजन भी हमसे परचेज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मिनी शेफ कटर है, और इनकी डिटेल वाइज वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल जापान मशीन स्टोर पे डाली हुई है। अगली वीडियो में मैं डिटेल के साथ फोर्ड के जनरेटर के बारे में आपको बताऊंगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।